जानते हो तहज्जुद में कितनी ताकत है? मौजज़ात करने की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत, अल्लाह का लाडला बनने की ताकत। इतने मजबूत हथियार को उठा लोगी तो दुनिया की हर जंग फतेह कर लोगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है उसकी तरफ से तुम्हारी दुआओं का कोई जवाब नहीं आएगा? नहीं नहीं, तुम बस यकीन रखो, कामिल यकीन। वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीक़े से बेहतरीन से नवाज देगा। मौजज़े के लिए कोई दलील नहीं चाहिए होती, सिर्फ यकीन चाहिए होता है, कामिल यकीन। वो लोगों की लाख बातों, हज़ार तानों और सौ दलीलों के बावजूद पूरी यकीन से कहती थी कि मौजज़े होते हैं, और फिर सब बातें, ताने और दलीलें दरी की दरी रह गईं जब उसके अल्लाह ने उसकी दुआओं पर कुन की मोहर लगा दी। यकीन करने वालों को मौजज़ों की नवीद है। मैंने अपने अल्लाह के कहने पर उससे मांगा है, ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे ना दे? मैंने अपने अल्लाह से इस यकीन से मांगा है कि वो मौजज़ात करने पर क़ादिर है। तुम इतने मायूस क्यों हो गए हो? अल्लाह ताला ने बड़ी ही मोहब्बत से सूरह दोहा में फरमाया है, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ। और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। ज़रा सोचो तो, माँ ने कभी अपने बच्चे को हज़ार गलतियों के बावजूद भी कभी धुतकारा है? नहीं ना। तो वो रब, वो ज़ात जिसने तुम्हें तख्लीक किया, वो जो 70 माओं से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, वो किस तरह तुम्हें इस मुश्किल में अकेला छोड़ सकता है? वो रब तो वो है जो बदकार से बदकार इंसान की भी एक भोली भटकी सदा पर लब्बैक कहता है। वो रब तो वो है जो तुम्हारे गुनाहों में गंदा मैला होने के बावजूद भी तुम्हारी वापसी का मुंतज़िर है और इस्तकबाल के लिए हर दम दरवाजे खुले रखे हुए है। वो रब तो वो है जो कुरान पाक में वाजी फरमा रहा है कि मुझसे मांगो और बार बार मांगो कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है। जब हमारा अल्लाह हमसे कह रहा है कि मेरी मदद करीब है, तो हमें क्यों ना उम्मीद होना है? जब हमारा अल्लाह हमें अपनी मुकद्दस किताब में बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो मायूस होने का, दिल हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा अल्लाह तो कह रहा है कि मुझे अपना साथी बना लो और हर मुश्किल में मुझे अपने साथ पाओगे। और अल्लाह को साथी बनाना कोई आसान नहीं है कि वो रब तुम्हें आजमाएगा हर उस मौके पर, हर उस चीज़ से कि जिससे तुम्हारा ईमान पुख्ता हो। लेकिन वो मुश्किल, वो इम्तहान बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे सब मसले हल हो जाएंगे और तुम अल्लाह को पा लोगे कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो अपने अल्लाह की बातों को समझे और उसकी ज़ात पर पूरा भरोसा रखें और उससे बातें करें, अपने मसले उससे शेयर करें कि वो ही आपकी हर बात को सुनने और समझने वाला है। और रही बात मसलों की, तो ये आयत हर उस वक्त जहन में ले आएं जब भी आप मायूस हों, ज़िंदगी में तंग हों या दुखों में गरे हुए हों, कि गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह हमेशा से हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। ये जो फासले आते हैं, ये हम खुद पैदा करते हैं। कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द ये फ़ासले तय कर लें और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, इससे पहले कि आप हकीकी मंजिल ख़बर में पहुंच जाएं। जल्द अज़ जल्द से मुराद ये बिल्कुल नहीं कि आप एकदम से अपनी जान पर ज़ोर डाल दें, एक सीढ़ी से शुरू करें और चलते चलते पूरा रास्ता तय हो जाएगा। शर्त यह है कि आपको चलते रहना है। इस सफ़र के दौरान अगर ख़बर में भी गए तो अल्लाह को दिखाने के लिए कम से कम वो कोशिशें तो होंगी जो आप अल्लाह के करीब होने के लिए कर रहे थे। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाएं।
आमीन सुम आमीन। तुम मांगने वालों की तरह मांग के तो देखो, वो देने वालों में सबसे बड़ा है। तवक्कुल मूसा अलैह सलाम जैसा हो तो किस्मत यूसुफ अलैह सलाम की तरह बदलती है। अल्लाह अनजान रास्तों से ही मौजज़ों की शुरुआत करता है। मैंने खुद को बिखरते लम्हों में अपने रब के हाथों संभलते पाया। अगर किस्मत का ही लिखा सब कुछ होता तो अल्लाह कभी हमें दुआ का मौका न देता। हार ना मानो, हार ना मानो, दुआएं करते जाओ, बस अभी कबूल होंगी। जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा बेहतरीन फैसला हो जाएगा। तहज्जुद तो इश्क की नमाज है, एक उम्मीद है कि दुआ सुन ली जाएगी, एक आस है कि अब कुन कह दिया जाएगा। अर्श वाले से राबते मजबूत हों तो फर्श वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। जब अल्लाह हमारे साथ है तो क्या परवाह इस जहान की। लोग चाहे कितना भी बुरा चाहें, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। सात आसमानों के पार सफ़र करती हैं, तहज्जुद की दुआएं कभी मायूस नहीं करती। तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। हर कोई दिल की दास्तान नहीं सुना करता, अपना हाले दिल अल्लाह को ही सुनाया करो। वो राजी है तुम्हारी दुआओं पे, अगर दिल नहीं बदल रहा है। आम सी आजमाइश इंसान को अल्लाह का बहुत ख़ास बना देती है। जब वो राजी होता है तो मुकद्दर खुद ही बदल जाते हैं। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। कभी तहज्जुद तक आना, शायद वो तुम्हारा इंतज़ार करती है। अल्लाह तुम्हें बहुत देने वाला है, तुम्हारे सब्र का पूरा इनाम। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि नहीं, मेरा रब रास्ते बनाएगा। तुम शुक्र की इंतहा कर दो, वो अता में इंतहा कर देगा। मुश्किल वक्त में तुम्हारा सब्र करना ही बताता है कि तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। कुन की सदाएं गूंजेंगी जब सब्र का इख्तिताम होगा। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ, तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने अपने करीब कर लिया है। ज़िंदगी की सारी बुलंदियां रब के आगे झुकने से मिलती हैं। तुम अल्लाह पर यकीन रखो, ऐसा यकीन जो हर शख्स से पाक हो। जिस ज़ात ने तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है तो उस दुआ को कबूल भी वही ज़ात करेगी। दुआएं बेवजह तो नहीं होती। ये जो तुम टूट कर बिखरे हो, इसके बाद मौजज़े तो लाजिम हैं। कुछ तो अल्लाह की भी रज़ा होगी, वरना दुआएं बेवजह तो दिल का हिस्सा नहीं बनती। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से मौजज़े उतारे जाते हैं। अल्लाह के कुन कहने की देर है बस। आजमाइशों का सिलसिला तो यूं ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे खामोश सजदे और अनकही बातें अल्लाह के हाँ बहुत ख़ास मुकाम रखती हैं। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, दुआएं कबूल होंगी। हो सकता है तुम्हारा ये नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र तहज्जुद से तय होना हो। जो दुआओं का हिस्सा रहते हैं अल्लाह उन्हीं नसीब का हिस्सा भी बना देता है। और जो दुआ से ना हासिल हो सका वो तहज्जुद से भी तो हो सकता है। अगर दिल नहीं बदल रहा तो मुमकिन है अल्लाह तुम्हारा नसीब बदलने के लिए मान गया हो। तहज्जुद का सजदा ही कुन फयकुन तक ले कर जाता है। ये जो मायूसी है आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। आखिर में अल्लाह उसी को सिला बना कर तुम्हें नवाज देता है जो तुमने अल्लाह के लिए खोया होता है। जिन दुआओं को अल्लाह दिल के करीब रखता है उन्हें नसीब का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुआओं के मामलात में दिल का कहा ही अल्लाह का कहा होता है। सिर्फ अपनी चाहत का मिल जाना ही मौजज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना भी मौजज़ा है।
तहज्जुद ही शिफा है। तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह ने कुन का राज छुपा रखा है। आधी रात को किया गया सजदा कबूलियत के इम्कानात बढ़ा देता है जो मुकद्दर में नहीं। तहज्जुद वो दुआ भी अर्श से कबूल करवा लाती है। रात में अल्लाह को लगाई हुई पुकार सीधा अर्श पर अल्लाह के पास पहुंच जाती है। दौरानी दुआ आंख से बहने वाला आंसू बराही रास्त अल्लाह से बातें करता है। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर कहानी भी हकीकत बन जाती है। मांगो पूरे यकीन से मांगो। वक्ते तहज्जुद फैलाई गई झोली को अल्लाह कुन से सजा कर वापस लौट आता है। जब अल्लाह किसी को नवाजने का सोच लेता है तो उसे तहज्जुद तक ले आता है क्योंकि तहज्जुद की नमाज मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है।